आज हम हिंदुस्तान के आवाम और उसकी सरकार का सर झुका के रहा हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस जहाद में अल्लाह हमारे साथ है। ये जनरल महमूद ISI से। ये फिल्म भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से जुड़ी घटनाओं से प्रेरित है। इन घटनाओं का संदर्भ भारतीय संसद के उपलब्ध रिकॉर्ड्स, राष्ट्रीय अभिलेखागार, विशेषज्ञों द्वारा लिखित किताबें, मीडिया रिपोर्ट्स, अखबार, गुप्तचर रिपोर्ट्स, व्यक्तिगत इंटरव्यूज और इस विषय के ऊपर खोजकर्ताओं के निर्देशन में सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत प्राप्त जानकारियों से लिए गए हैं। इस फिल्म में लिए गए संदर्भों को उनके विभिन्न स्रोतों के साथ जांच कर हमारे इतिहास के सलाहकार अनुज धर और शास्त्री जी के पोते संजयनाथ सिंह द्वारा प्रमाणित किया गया है। हालांकि इस फिल्म में चित्रित किसी भी प्रसंग, घटना या कहानी के अंश की ऐतिहासिक सत्यता की पुष्टि का दावा हम नहीं करते हैं। फिल्म कहानी के सिनेमाई चित्रण के लिए तथा नाटकीय रूपांतर उद्देश्य हेतु कुछ सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। ये फिल्म किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, नेता, पार्टी या पद, समुदाय, धर्म व संप्रदाय, सरकारी या अन्य किसी संस्था, राष्ट्रीयता का अनादर व अपमान करने के इरादे से नहीं बनाई गई है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में आहत करने का भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो। तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेल जोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सकें। हमारी जनता में उत्साह और लगन और हमारे लोग देश को मजबूत बनाने के लिए। Yes, sir. How can I help? Я должен увидеть посла. Have you got an appointment? Нет, нет. Но это очень срочно. Sir, you can't enter without an appointment. Ambassador, very urgent meeting. I told you, you're going to have to call and set up an appointment. I'm Russian. KGB. What? KGB. He said KGB. Who are you? Tell me, how to say your name? Vasily Nikitich Mitrokhin. Vasily Nikitich Mitrokhin. And how many years have you worked for the KGB? Я служил в ГРУ 1948 года. I was recruited in 1948 as a foreign intelligence officer. В 1995 я вышел на пенсию с поста директора архива КГБ. I retired in 1985 as a director of KGB archives. Tell me, what's in these suitcases? So, секретные документы. Secret documents. О том, как мы убивали лидеров наций. How we assassinated the leaders. Ослабляли экономику. Обо всем. How we weakened the economy. Everything. And how did you manage to get these documents from the KGB archives? В ботинках. In his shoes. How novel. Я делал это 25 лет, каждый день. 25 years, every day.
And tell me, how many countries are in there? Все страны. Almost every country. Interesting. Во времена холодной войны не было свободной страны. Все работали либо на КГБ, либо на ЦРУ. During the Cold War, there was not any free country. They were all working either for KGB or CIA. लैंडविल वाला स्टोरी अभी नहीं. आई नीड समथिंग मोर मीटी, जैसे मालदा या केरला. नो, आई नीड अ रियल स्कूप. या यार, एडिटर का कॉल आ चुका है दो बार. हे, लुकिंग फॉर यू. सो अगर मंथ एंड तक नया स्कूप लाके नहीं दिया तो आई ट्रांसफर यू टू आर्ट्स एंड कल्चर. नो सर, नॉट आर्ट्स एंड कल्चर, प्लीज. यू नो आई एंजॉय पॉलिटिकल जर्नलिज्म. पॉलिटिकल जर्नलिज्म के लिए इन्वेस्टिगेटिव बेंट ऑफ माइंड चाहिए. यू डोंट हैव दैट. एचआरडी मिनिस्ट्री ने लास्ट मिनट मेरा इंटरव्यू कैंसिल कर दिया बिकॉज आई एम यंग. नोबडी टेक्स मी सीरियसली. झूठे सोर्सेस पर अपनी स्टोरी मैन्युफैक्चर करोगी तो हु विल टेक यू सीरियसली? हां सर, बट दैट स्टोरी वाज ट्रेंडिंग. हजार से ऊपर रीट्वीट्स मिले थे. यू कांट डिनाई दैट. दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द इंटरनेट एज. फेक थी तुम्हारी स्टोरी. रीट्वीट से पॉलिटिकल जर्नलिज्म नहीं की जाती रागिनी. पॉलिटिक्स से डिफिकल्ट अगर कोई प्रोफेशन है तो वो है पॉलिटिकल जर्नलिज्म. दिस वन. ओके, लास्ट चांस. आई प्रॉमिस आई वोंट लेट यू डाउन. लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बचा लिया बट दिस टाइम आई कांट हेल्प यू. सो पुल अप योर सॉक्स एंड गिव मी अ स्कूप. A real scoop. Done. 9 days baki hai tumhare paas. Okay? Okay. Can I go? Yes. Yaar, angel investor ho yaar evil investor ho, is saal mujhe apna startup shuru karna hi hai. I'm done with this ethical shit, man. Moralities change with every goddamn tweet. Kisko chahiye facts? Yahan sab chalta hai. Hello? Where's everyone? Hello? Hello. Happy birthday to you. Happy birthday, Ragini. Thanks. कौन बोल रहा है? I have a birthday gift for you. Well, I hate birthday gifts, especially from unknown people. Rahul, it's you, right? I hate pranks. सुना है तुम्हें एक scoop चाहिए? अरे भाई, scoop किसे नहीं चाहिए? मेरे पास एक scoop है. मैं तुम्हें ऐसा birthday gift देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो birthday gift ही नहीं पसंद. Whoa, if it's a real scoop, then I love birthday gifts. Okay, Rahul, now stop it. Enough, huh? But iske pehle main tumhe scoop doon, let's play a game. Main tumse kuch bahut hi simple sawal puchunga. Aur agar tumne sare sawalon ka sahi jawab diya, to birthday gift tumhara. Aap kya Bachchan saab bol rahe hain? Kaun banega karodpati se? Ye kaisa game hai? Main koi game wave nahi khelne wali hu. Mujhe batao tum kaun bol rahe ho pehle? Jan Gan Man kisne likha tha? Dude, everyone knows Tagore. Full name only, please. Sorry, Rabindranath Tagore. Correct. 26 जनवरी को क्या हुआ था? रिपब्लिक डे. ओके, नाउ स्टॉप. 15 अगस्त. इंडिपेंडेंस डे. 20 अगस्त. 20th अगस्त. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो 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 नो, वेट 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 वेट.
20th August, Rajiv Gandhi's birthday? 5 September? Teacher's Day. Why? Because it's Teacher's Day. Oh no, Radhakrishnanji's birthday? Incomplete answer. Hey, listen, now you're irritating me, okay? Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, India's second president, unhone Geeta translate ki thi and I've read it. Now my gift or I'm going. Okay, last question. Main kisi sawal ka koi jawab nahi dene wali hu. Pehle tum mujhe batao ki tum ho kaun? 2 October. Who's this? 2 October, 2nd October ko kya hua tha? Mahatma Gandhi, now get lost. Hello? Hello, you there? Hello? Wait kar raha hu ki tum apna jawab complete kar sako. Are, par maine jawab diya to sahi. Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma, Bapu, Rashtrapita, aur kya kahu main? Ye adhura jawab hai, Ragini. I'm sorry, tum game haar gayi. To 2nd October ko aur kya hai? Dry day? 2nd October? Oh, shit, wait, it's also Shastri's birthday. Shastri? Lal Bahadur Shastri, India's second prime minister. And when did his death happen? I don't know, but mujhe itna pata hai ki he died in Tashkent. Yeah, Tashkent. Kaise? I seriously don't know. Who's this? Congratulations, Ragini. You passed the test. What? ये कैसा stupid game था? तुम्हें अपने cabin के drawer में एक yellow color का packet मिलेगा। No. Phone नहीं रखना। Ragini, that's your birthday gift. The scoop. जनवरी 1966, एक ऐतिहासिक दिन। 1965 में भारत और पाकिस्तान के वॉर के बाद और भारत की जबरदस्त जीत के बाद ताशकंद में एक समझौता हुआ, ताशकंद अग्रीमेंट। यूएसएसआर के प्रीमियर अलेक्साई कोसिजिन, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में इकट्ठा हुए। तनाव से भरे 6 दिन के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। शाम को एक पार्टी हुई और पार्टी के बाद आखिरी बार शास्त्री जी को उनके कमरे में टहलते हुए देखा गया। उसके चंद घंटों बाद शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु हो गई। और आज 50 साल के बाद भी हमें ये नहीं मालूम कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी या जहर देने से। मैंने उसके
उसके बाद में एक और एप्लीकेशन लगाई और विदेश मंत्रालय के खिलाफ में लगाई। मैंने उनसे बोला कि एप्लीकेशन दायर की थी, उसमें आपने बोला कि विदेश मंत्रालय के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर मैंने बोला बॉस आप क्या बात करते हैं, देश का प्रधानमंत्री मरा है कंट्री में, वहाँ तो राजदूत का तो दिमाग खराब हो चुका था। तो जैसे प्रधानमंत्री की डेथ हुई होगी वहाँ पे तो दुनिया भर के टेलीफोन कॉल दिल्ली में किए गए होंगे, टेलीग्राम भेजे गए होंगे, यहाँ पे दुनिया भर का कागज कॉरेस्पॉन्डेंस होगा दिल्ली में और मॉस्को के बीच में। प्रधानमंत्री की बॉडी को आप वहाँ से यहाँ दिल्ली में लाएंगे, क्या सिस्टम होगा, क्या अरेंजमेंट होगी, ये सारी बातें कागजों पे आती है। आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपके पास में कोई कागज नहीं है? तब इन लोगों ने मुझे जवाब दिया कि हमारे पास में वो नेशनल सिक्योरिटी का जो उनका एक क्लॉज है आरटीआई का, कि साहब हम इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। दाड़िनी, क्या है सब? लाल बहादुर शास्त्री मिस्टीरियस डेथ, उनकी डेथ से रिलेटेड पब्लिक डोमेन में ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट रन्स ओवर 5000 पेजेस। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड क्या है? जस्ट दिस, नथिंग। लाल बहादुर शास्त्री क्या आज की जनरेशन इंटरेस्टेड नहीं है? इट्स नॉट अबाउट शास्त्री जी, लेट्स पिन डाउन द गवर्नमेंट। लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिनकी डेथ ताशकंद में हुई थी। कब? वॉर के इमीडिएटली बाद। हजारों सस्पिशंस थे, कितने सारे डाउट्स रेज हुए थे। किसी ने कहा उन्हें पॉइजन दिया गया था, सम सेड ही हैड अ हार्ट अटैक, बट ओवर 50 इयर्स डू वी हैव अ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन? नो, नथिंग। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि पॉइजन दिया। अरे तो हु केयर्स? ओके सॉरी, बट देन वी नीड अ स्कूप एंड वी हैव अ स्कूप। एंड सर दिस टाइम मैं फुल ऑथेंटिक पेपर वर्क के साथ आई हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील के साथ। सपोर्टिंग एविडेंस में मेरे पास अनुज थर की आरटीआईज हैं और उसकी स्टेटमेंट भी। आई हैव ऑलरेडी रन इट विद द लीगल एंड दे सेड इट्स ओके। लाल बहादुर शास्त्री की मौत पे उठे मसले पर गृह मंत्री पीकेआर नटराजन ने संसदीय केंद्रीय दल की आपातकालीन मीटिंग बुलाई। क्या ये सरकार वास्तविकता में शास्त्री जी के मौत का सच जानना चाहती है, या हर बार की तरह एक बार फिर इस मुद्दे को भी दबा दिया जाएगा? शास्त्री जी मरे या मार दिए गए, ये इस देश के मुंह पे ऐसी कालिख है जिसे मिटाने की 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। सरकार हमसे क्या छुपाना चाहती है? शास्त्री जी की मौत के पीछे क्या षड्यंत्र है, इसे पता लगाने के लिए हम देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, ना किसी को बैठने देंगे। शास्त्री जी ने हमें नारा दिया है, जय जवान जय किसान, और इस सरकार का नारा क्या है? जय शैतान जय हैवान। शास्त्री जी की फाइल्स पब्लिक की जाए, शास्त्री जी की फाइल। शास्त्री जी की फाइल। 27 मई 1964 पंडित नेहरू के देहांत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और सिंडिकेट नेता के कामराज फिर एक्टिव हुए और उनके सामने एक जिम्मेदारी थी, देश का अगला नेता चुनने की। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ऑपोजिशन के नेता श्याम सुंदर त्रिपाठी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल। जिस देश में नेता ही भूख हड़ताल करने लगे वहां कैसे कुछ बदल सकता है? आपको आराम की सख्त जरूरत है। जब पावर ही नहीं होगा तो फिर ब्लड प्रेशर मेरा क्या लड़ लेगा डॉक्टर? बिल्कुल। शास्त्री जी कैसे पीएम बने पंडित नेहरू के बाद? वो तो लाइन में भी नहीं थे। राजीव देसाई वॉज द मोस्ट सीनियर और पीएम बनने के हकदार। सो हु वॉज द किंग मेकर देयर? कामराज, याद है? नहीं, मुझे नहीं पता। कुमारस्वामी कामराज। फिर शास्त्री जी की मौत के बाद राजीव देसाई को ही पीएम बनना चाहिए था, तो बने इंदिरा गांधी। कामराज अगेन। किंग्स सबको याद रहते हैं, किंग मेकर्स याद नहीं रहते। शास्त्री जी के मुद्दे ने नया मोड़। गृह मंत्री नटराजन और श्याम सुंदर त्रिपाठी के बीच इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है? लाल बहादुर शास्त्री के मौत का सच जानना या फिर किसी तरह का समझौता?
अरे सॉल्ट ब्रदर रिच थोड़ा सा लीजिए। अरे नहीं मैं फ्राइड चीजें अरे नटराजन जी शुद्ध घी का है ऊपर से आलू डकार तक नहीं आएगा। चलिए आप जिद करते हैं तो थैंक यू। एक बात बताइए ये कमिटी बनाने से आपका क्या फायदा? आप तो जानते हैं कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट की सिर्फ दो कॉपीज हैं, एक जस्टिस शाह के दफ्तर में और एक ये। फाइनल रिपोर्ट मेरी मिनिस्ट्री का जवाब मिलने के बाद आएगी। तो एक लव्य द्रोणाचार्य को ब्लैकमेल करना चाहता है। तो इसे मैं आपकी हाँ सुन लू मीडिया की आवाज सुन रहे हैं। हंसा सिर्फ मैं नहीं हंसे तो आप भी हैं। मेरे हाँ के बिना आप यहां से जा भी नहीं सकते। इस कमेटी के 8 सदस्य होंगे, 4 आपके 4 हमारे एंड ऑफ कोर्स यू विद द वीटो पावर। बाकी 8 को कैसे संभालना है इसका तो एक्सपीरियंस आपके पास है ही। देयर विल बी नो मीडिया कवरेज और कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इतनी बड़ी विडंबना है, सब कुछ शास्त्री जी के लिए हो रहा है लेकिन कोई उनकी बात नहीं कर रहा है। क्या नाम बताया अब उस जर्नलिस्ट का? त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी। अरे तुम तो बड़ी यंग हो। आओ बैठो बैठो। तुम तो अंदाज कर लिया ना कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया है। इलेक्शंस के कुछ महीने पहले अगर एक पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट को फूल भेजकर अपने घर बुलाता है तो हड्डी कहीं ना कहीं गले में जरूर अटकी होगी। तुम इतनी छोटी नहीं हो। चलो ये सब काम की बात करते हैं। कैसे काम करोगी, कैश फेवर या दोनों? डिपेंड्स, ऑफर क्या है? तुम्हें शास्त्री जी पे इतना इंटरेस्ट क्यों है? मुझे सिर्फ सच जानने में इंटरेस्ट है। राजनीति में कुछ सच नहीं होता, भी इसका सच है। देखिए सर, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ से रिलेटेड कुछ भी ना लिखूं तो लेट मी टेल यू कि मैं तुम्हारा नाम प्रपोज कर रहा हूं। मेरा नाम? कमेटी में एक जर्नलिस्ट का होना बहुत जरूरी है और इस सब्जेक्ट पर तुमने बहुत रिसर्च किया है। तुम यंग हो, बुद्धिमती हो और एक महिला भी। लो खाओ। असली कारण क्या है? ये नटराजन है ना, वो कैमरा में बिलीव करते हैं और मैं
इंसान की आंख और बुद्धि का बहुत सम्मान करता हूं, जो दोनों तुम्हारे पास है। मैं चाहता हूं तुम कमेटी में मेरे लिए कैमरा बनो। तो आपको शास्त्री जी की नहीं बल्कि मीडिया में अपनी इमेज की चिंता है। अरे एक पॉलिटिशियन के पास इमेज के सिवा है ही क्या। ये पॉलिटिक्स है ना, ये एक बाघ युद्ध है। लोग सच नहीं सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। सर मैं तो बहुत ही छोटी जर्नलिस्ट हूँ और आपके एम्बिशंस तो बहुत बड़े। जर्नलिज्म पॉलिटिक्स का दूसरा नाम है। सुना है कि तुम अपनी न्यूज साइट के लिए फंडिंग ढूंढ रही हो। लाल बहादुर शास्त्री की मौत हार्ट अटैक से हुई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? आज इसको इन्वेस्टिगेट करेगी त्रिपाठी कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी। सर इस त्रिपाठी कमेटी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? और इसमें है एक्स रॉ चीफ जीकेएस आनंद सुरेश। अनंत सुरेश विद एन एच, वन वर्ल्ड। सॉरी सर। रूलिंग पार्टी के युवा नेता विश्वेंद्र प्रताप सिंह। बहाना है इस मुद्दे को दबाने के लिए? यानी आपको लोगों पे भरोसा है? लॉ तो भरोसा है पर लॉ एनफोर्सर्स। एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस कुरियन इब्राहिम। सर सर आपको क्या लगता है शांति जी को दे दिया गया था? मैं बस 5-10 मिनट में दरवाजा खोलता हूं। शुक्रिया। माचिस है आपके पास? जी मैम। थैंक यू। आका इज इंडिया के डायरेक्टर श्री ओमकार कश्यप भी हैं। प्रसिद्ध सोशल वर्कर, कई एनजीओ चलाती हैं और गवर्नमेंट की कट्टर विरोधी इंदिरा जोसेफ रॉय। ऑफ कोर्स मेरे होते हुए कुछ गलत हो सकता है क्या? उनके अलावा इंडियन साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल के डायरेक्टर श्री गंगाराम झा, रिनाउंड हिस्टोरियन और शास्त्री जी पर एक्सपर्ट पद्मश्री आयशा अली शाह भी हैं। लेकिन सबसे विवादास्पद चयन हुआ है उनका, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लास्ट मिनट डिसीजन है। ये क्या कर रहे हो? बंद करो बंद करो। हीटर नहीं है क्या? काम नहीं कर रहा है, मेंटेनेंस को बुलाए। फिर तो हो गया। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अच्छा साहब लोग मैम लोग आप लोग अपने मोबाइल्स वहाँ रख दीजिए, यहाँ अलाउड नहीं है मोबाइल्स। कहाँ जी? दे अच्छा जी, इस केस के बारे में आपको एक बात पता है? मैं हिस्टोरियन हूँ, मुझे बहुत सारी बातें पता है। हेलो। ओह शिट। या शिट। थैंक यू। सिगरेट? नो थैंक्स कश्यप। क्यों? रॉ वाले तो अक्सर सिगरेट पीते हैं। वैसे भी स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। हाँ आई नो स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। थैंक यू। God bless. Excuse me, are the phones allowed here? मैं deposit करती थी। नहीं मैं तो mobile phone अभी भी use नहीं करता हूँ। By the way, I am the Omkar Kashyap, retired director archives. Okay. Hello, I'm Ragini Phule. अच्छा 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 तो आप वही हैं जिसके कारण हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। Morning everybody. Morning. चले बैठ जाएं। Omkar Kashyap. Omkar Kashyap. ओके ओके चल। एक कोई मिसिंग है सर? कोरम कंप्लीट है, मीटिंग शुरू कर सकते हैं। कोरम पूरा हो गया? जी सर। सॉरी 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 सॉरी, बॉम्बे से इन फ्लाइट लेट थोड़ी। मुंबई? या यू नो मुंबई, बट फॉर मी इट विल ऑलवेज रिमेन बॉम्बे। मैं तो दिल्ली को भी दिल्ली नहीं बोल पाता। दरअसल वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में मेरा कीनोट एड्रेस था, रिलेवेंस ऑफ कॉमन सेंस इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर हम यहाँ शास्त्री जी पे बात करने बैठे हैं। अरे सर सर,
प्रणाम। आप शुरू कीजिए ना, मसला खत्म तो खुद खुद हो जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा क्यों कहा आपने? सर र्यूमर्स, और र्यूमर्स को खत्म होने में कितना टाइम लगता है। र्यूमर्स? जी। तो र्यूमर्स की बुनियाद पे एक कमेटी बनी है ऐसा लगता है आपको? सर कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। मेरा मानना है लंच तक इसका फैसला हो जाएगा, फिर चलते हैं नॉर्थ ब्लॉक, वहाँ कुछ अच्छा साउथ इंडियन खा लेंगे। बड़ी जल्दी में हैं आप, लगता है रिजर्वेशन करके आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने केस स्टडी किया है, इट्स क्वाइट सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ना डॉक्यूमेंट ना प्रूफ ना लॉजिक, वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी, इट्स एज सिंपल एज ABCD। मुझे नहीं लगता इट्स एज सिंपल एज ABCD, अनलेस ऑफ कोर्स आप कुछ ऐसा जानते हो जो शायद हम नहीं जानते, फॉर एग्जाम्पल ABCD। प्लीज, सबके मॉनिटर्स पे एजेंडा है, इंफॉर्मेशन फैक्ट्स हैं, देखिए पढ़िए, हम हर पहलू पे गौर करेंगे, विटनेस को सुनेंगे, और अगर हमारे पास कोई विटनेस है जिसके पास इंफॉर्मेशन है उनका नाम भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन सर विटनेसेस के रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुके हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है बंधु, अगर हम सबको लगता है कि उनके पास कोई खास इन्फॉर्मेशन है तो हम उन्हें सिर्फ एडमिट ही नहीं बल्कि समन भी करेंगे, हाँ अगर हमारे पास बहुमत है तो। सुने सुने बातों पे हम वक्त जाया नहीं करेंगे। अगर हम सबको लगता है कि शास्त्री जी की मौत नेचुरल डेथ थी यानी हार्ट अटैक से हुई थी तो अपना अपना हाथ उठाएं। मिस रॉय, आपने हाथ नीचे क्यों किया? विश्वेंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि जिस प्रधानमंत्री की डेथ पर इतना संदेह हो उनकी लाइफ के बारे में हमें कुछ तो बातचीत कर लेनी चाहिए? वैसे ये कमेटी उनकी मौत की तहकीकात के लिए है, पर चलिए कुछ देर उनकी जिंदगी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ही वॉज ओनली 16 years old, यू नो, महज 16 साल की उम्र में वो गांधी जी के सत्याग्रह की मुहिम में शामिल हुए, एंड बिफोर दैट जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने अपने नाम से, खानदानी नाम से श्रीवास्तव हटा दिया क्योंकि वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। शादी के बाद अपनी बीवी ललिता को उन्होंने खादी पहनने के लिए कहा और उन्होंने भी बिला इतराज उनकी बात मान ली, इट वाज अ ट्रू गांधीयन। और जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास सिर्फ एक ही कार थी जो उन्होंने सरकारी लोन पे खरीदी थी, और हाँ पाकिस्तान को तो उन्होंने हराया ही। और इस बात से क्या साबित होता है? मैंने कब कहा कि इससे कुछ साबित होता है? मुझे याद है मैं तभी करीबन 20 साल का था, वार के टाइम शास्त्री जी बॉर्डर पे जाते थे, जवानों से मिलते थे। तलवार की नोक पर एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अरे कमाल की बात है कि ईश्वर जो है ना अच्छे आदमी को जल्दी बुला लेता है। वैसे he was an old man when he died. 62. 61. He was 61. Okay, but people retired at 58, right? Ronald Reagan was 69 when he became president. बिल्कुल जी, और अपने प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई हाजी 81 में प्रधानमंत्री बने थे, मेरा मतलब 81 साल की उम्र में। अरे एज इज जस्ट नंबर्स भाई, बट शास्त्री वॉज ए ग्रेट मैन, ब्रेव मैन। किस तरह की बेताल्लुक बातें हो रही है यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर वॉज ए ब्रेव मैन, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका दिल भी उतना मजबूत था। अगर 11 जनवरी के पहले उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स ECG भी पे रिकॉर्ड्स मिल जाए तो। ये सब तो डॉक्टर्स की डायरी में होता है, गवर्नमेंट पास तो है ही नहीं। प्लीज। क्या प्लीज अनंता? लेकिन ये तो फैक्ट है कि शास्त्री जी को इससे पहले हार्ट अटैक हुआ था। ट्वाइस सर, ट्वाइस। केस क्लोज, चलिए खाने। क्या ये सच नहीं है टैशकेंट में जिस होटल में वो रुकने वाले थे उसे लास्ट मिनट चेंज करके उन्हें किसी और होटल में नहीं ढांचा में रुकने को कहा गया? द वर्ड ढांचा इज रशियन फॉर बंगलो। प्रोफेसर, केस रीओपन्ड। द फैक्ट इज दैट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स स्टे अ DIG फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड फ्लोन टू ताशकंद टू अप्रूव ऑफ इट। वो जो होटल था उसमें सीढ़ियाँ थी बैड फॉर अ हार्ट पेशेंट, पर ढांचे में नहीं थी, हेंस ढांचा।
सर जी, मेरे हिसाब से, मैंने जो पढ़ा था उसके हिसाब से डीआईजी ने जो ओके किया था वो ढांचा नहीं बल्कि इन टूरिस्ट होटल था। आई रिपीट, इन टूरिस्ट होटल, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे मेकशिफ्ट ऑपरेशन थिएटर और ऑक्सीजन का प्रोविजन था। ठीक दो दिन बाद मॉस्को से एक इंडियन ऑफिसर और एक बहुत बड़े ऑफिसर के इंटरवेंशन से पीएम का स्टे जो है वो इस होटल से शिफ्ट करके ढांचे में कर दिया गया, और उसके स्टाफ का जो अरेंजमेंट है यहां से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर किया गया। एक्सक्यूज मी, 250 यार्ड्स, नॉट 11 किलोमीटर सर। उस ढांचा में ना ऑपरेशन थिएटर था ना ऑक्सीजन, इज दैट ट्रू? कमाल है, एक प्रधानमंत्री जो हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें दो अटैक आ चुके हैं, उनके कमरे में ऑक्सीजन नहीं। भाई ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है। सर सर प्लीज, विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू जस्ट रीड आउट द फैक्ट्स। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द रिसेप्शन टू हिज रेजिडेंस, लाल बहादुर शास्त्री वॉज इन नॉर्मल हेल्थ एंड वॉज इन ए गुड मूड एंड स्पोक ओवर द टेलीफोन विद हिज रिलेटिव्स इन दिल्ली। He went to bed at about 12:30 midnight on the 11th of January at about 1:20 in the morning. Mr. Sahai Kapoor and Sharma approached the Prime Minister's doctor who was in the room next to him and told him that the Prime Minister was feeling unwell. Dr. Chug at once approached the Prime Minister who was sitting on his bed coughing and was complaining of lack of breath. The doctor put the Prime Minister in a reclining position, gave him an intramuscular injection. Within the next 3 minutes, Prime Minister Shastri lost consciousness, pulse disappeared, breathing stopped and heartbeats could not be heard. Death occurred at 1:32 on the morning of 11 January 1966. उसके बाद 6 डॉक्टर और आए थे और उनके साथ और एक लेडी डॉक्टर आई थी जिसका नाम था यरमेंको। यरमेंको सर? हाँ, यरमेंको, यरमेंको। ये सब आए, जांच किया और बताया कि शास्त्री जी की सांसें बंद हो गई। उस वक्त 2 रिपोर्ट बनी थी, एक भारत सरकार को दी गई थी और एक रिपोर्ट उस समय की सोवियत सरकार को दी गई थी। एक फैक्ट है जो हम सब मिस कर रहे हैं। अरे आपके रहते कुछ मिस हो सकता है इंदिरा जी? नहीं नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो शायद हिस्टोरियंस भी मिस कर रहे हैं कि उस बेडरूम में देयर वाज नो बेल, नो बजर। एक मिनट, एक मिनट, मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। अरे देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप सबके पास मेडिकल रिपोर्ट्स है, करेक्ट? प्लीज चेक योर मेडिकल रिकॉर्ड्स। Every doctor has signed it. Where is the argument? यहाँ डॉक्टर आरएन चुप के अलावा 6 सोवियत डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स हैं, पर वहां तो कुल 8 डॉक्टर्स थे। सर? Yes. यहाँ सबके सिग्नेचर्स हैं, पर होम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने ये पार्लियामेंट में एडमिट किया था कि सबसे पहले वहां पर सीनियर डॉक्टर ईजी यरमेंको वहां पर पहुंची थी, तो उनका सिग्नेचर यहाँ पर क्यों नहीं है? क्या ये पॉसिबल है कि उन्होंने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया, उन्हें डाउट था? आप यहाँ बच्चों जैसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सर, सर, I think she's on the committee. She should be allowed to make her point. सर, सर, point number 2 is शास्त्री जी को ऑक्सीजन क्यों नहीं दिया गया? There is no mention of oxygen. It's written in the report. Report में लिखा है कि उनको ऑक्सीजन दिया गया था। No, no, ma'am. यहाँ लिखा है that he was administered intramuscular injection, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और मसाज, पर यहाँ पर इंट्यूबल ऑक्सीजन का कहीं भी मेंशन नहीं है। जो एक हार्ट पेशेंट सर, जिन्हें पहले 2 बार हार्ट अटैक्स आ चुके हों, उन्हें देना कंपलसरी। शायद इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन ना दिया गया हो, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन था ही नहीं। मेरा ध्यान कैसे नहीं पड़ा इस बात पे? कॉमन सेंस, यहाँ लिखा है शास्त्री जी को इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन मेफथेंटिन सल्फेट 15 mg दिया गया, जबकि उनके हृदय गति प्राय बंद हो गई थी, ब्लड प्रेशर नील। ऐसे हालात में आमतौर पर डॉक्टर इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, लेमैन की भाषा में बोले तो नसों में सुई दी जाती है ताकि फॉरेन मेडिसिन पहुंचे और असर दिखाए, जबकि यहां उसके ठीक विपरीत शास्त्री जी को इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन दिया गया ताकि दवाई सिस्टम में देर से पहुंचे। अब क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतनी कॉमन सी बात मेडिकल साइंस के डॉक्टर को पता नहीं थी या जानबूझ के उन लोगों ने किया? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद शास्त्री जी पहले ही मर चुके हैं और उन्हें इंजेक्शन बाद में दिया गया हो और इसीलिए डॉक्टर ईजी यरमेंको ने इस पर साइन नहीं किया? सर, उस हाइपोथेसिस के लिए कोई प्राइमर फेसी एविडेंस भी तो होनी चाहिए, राइट? एविडेंस गायब कर दिए गए होंगे।
चला दिए होंगे. व्हाट एल्स? नो 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 नो. आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू दिस सर. ऑफ कोर्स यू डू. वैसे विश्वेंद्र जी, हम सब आपकी हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानते हैं. ओह मैडम, हिस्ट्री तो सब आपकी भी जानते हैं, पर लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ प्लीज. दिस इज योर प्रॉब्लम. दिस इज योर प्रॉब्लम. ये तो आप लोगों की आदत है पुरानी, रिकॉर्ड से चीजें हटवाने की. इसलिए ढंग के रिकॉर्ड्स है ही नहीं. ये आप लोगों से क्या मतलब है अब आपका? पॉलिटिशियंस का नहीं छोड़ा इस देश को. ऑब्जेक्शन. इस बात पे हम ऑब्जेक्शन लेते हैं. पॉलिटिशियन तो हम भी हैं. बाय द वे, आपके ससुर भी तो पॉलिटिक्स में थे. फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज. नो 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 नो, इट्स नॉट दैट. इज मिसोजिनिस्ट. नो 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 नो, मिस्टर, इट्स नॉट दैट. आई टेक ऑफेंस टू दैट. Congratulations, Ragini. You've already become a celebrity. Arey, come on, sir. Zee News se phone aaya tha. Prime time talk show ke liye. They want to invite you, not me. For the prime time talk show. I fought for you. For this article. Risk my job. Thank you very much. Okay guys, let's roll. 5, 4, 3, 2, 1, go. नमस्कार रागिनी जी, ये मुद्दा कब का दब चुका है? जितनी बहस होनी थी वो हो चुकी है, तो फिर आप ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हैं? गड़े हुए मुर्दे? इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मिस्टीरियस डेथ से रिलेटेड सवाल पूछना, सच्चाई की मांग करना आपके लिए गड़े हुए मुद्दे हैं? नॉट फॉर मी. क्या खुद को सच्चाई का मसीहा? इतने काम में लड़ाई टीवी रिपोर्टर. क्या ये सच है कि आपके पास सिर्फ एक वीक था और एक वीक में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करना इम्पॉसिबल है, इसलिए आप डेस्परेट हो गए? आपने अपने जॉब बचाने के लिए आप गूगल पे गई, आपने बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज निकाले. That's called research. It's my और job. आपने न्यूज स्टोरी निकाला, इसे फेक न्यूज कहते हैं. मुझे जवाब दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? Why did you do this? Tell me. रागिनी जी, why did you do this? आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि सच सबके सामने आ जाए. क्या सच पर हमारा कोई हक नहीं? Stop this, सच. हाँ कैसे? What is this stupid girl think? क्या मुझे सच से डर लगता है? Idiot है वो, जिनको सच से डर लगता है. डरना rumors से चाहिए. Rumors. क्योंकि rumor को अगर रोका ना गया तो वो ऐसा सच बन जाती है जिसके सामने सच भी झूठ लगने लगता है. What is this cover up? क्या सच जानने का हमारा कोई हक नहीं? We want to know शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था. Was it a heart attack? Or was it a state-sponsored murder? Iska agenda kya hai is ladki ka? हेलो मिस्टर अननोन कॉलर. क्या बात है भाई रागिनी, क्या बात. थैंक यू. इंटरव्यू ने तो जैसे धूमी मचा दी है ना. कमेटी की डिमांड वाज अ रियल ट्रम्प कार्ड. यू आर अ स्टार जर्नलिस्ट नाउ रागिनी. नो नो, आई एम नॉट अ स्टार जर्नलिस्ट. आई एम अ नोबडी, बट आई वांट टू मीट यू एंड आई वांट टू थैंक यू. सर आप जो भी हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. नोबडी? तो फिर सबकी आंखें तुम पर क्यों है? सबकी आपकी आंखें मुझ पर है. बाहर देखो. बाहर मतलब? बाहर बालकनी में.
तुम्हें कैसे पता कि मेरे घर के बाहर कोई था? हेलो, एम आई बीइंग वॉच्ड? एम आई अंडर सर्विलेंस? टेल मी हु इज वॉचिंग मी? कैमरा है मेरे घर पे? टेल मी, गॉड डैमिट, आई नो हाउ दिस वर्क्स, मुझे पता है। टॉक टू मी, अगर हो तो सामने आओ। कांग्रेचुलेशंस, तुमने इस गेम का लेवल 2 पास कर लिया। टू हेल विद योर गेम। क्या तुम किसी ऐसे एक भी क्रिकेटिंग स्टार को जानती हो जो एक ही सेंचुरी बना के बाउंसर्स के डर से रुक गया हो? या ऐसे किसी फिल्म स्टार को जानती हो जो एक ही हिट देकर रुक गया हो? क्या तुम पूना से दिल्ली एक ही सेंचुरी बनाने आई थी? 99 is not a century, रागिनी। सक्सेस एक कुरुक्षेत्र है जहाँ एक लड़ाई जीतने के बाद रुका नहीं जाता। कौन हो तुम? I am your source, रागिनी। कौन भी जसूस, सब पता है तुम्हें। मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? Why me? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जीतो। हारे हुए लोगों की बात कोई नहीं सुनता रागिनी। Have a good night, रागिनी। I wish you all the best, रागिनी। मरता मुझ में ही कहीं मेरा यकीन, गुमशुदा है मुझसे ही कहीं मेरी जमीन। और वो देवता कहां जो सब भूल के कंठ जहर धरे सारा, फिर क्यों मनुष्य ही हारा? मान तोड़ भान छोड़ गिरता रहा, गिरता रहा। शब्द हुआ गुम, शब्द हुआ गुम। सब चलता है, सब चलता है, हाँ सब चलता है, चलता है, हाँ 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 सब चलता है, ओ सब चलता है, ओ ये सच है कि शास्त्री जी की मेडिकल रिपोर्ट को दबा दिया गया था। क्या ये भी सही है कि उस मेडिकल रिपोर्ट पे किसी एक डॉक्टर ने साइन करने से मना कर दिया था? That's what my ex-boss told me. Who ex-boss? The great editor, Bakshi sir. Bakshi? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। Where is he? God knows where Bakshi sir is. क्यों? He just vanished. Gayab. But sir, कोई लीड तो होगी, something. I want to crack this. Please help me out. उनके पास एक पूरी फाइल थी शास्त्री जी की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में। हाँ। जो उन्हें एक इंडियन स्पाई ने दी थी। स्पाई? हाँ।
that he was a KGB mole. And KGB claimed that he was a raw mole. Yeah. And then Moscow ke ek factory ke cylinder blast mein wo jal kar raakh ho gaya. It is claimed. And then kisi ne usse 2 saal pehle Tashkent mein dekha. Mukhtar. Yes. This will help. Thank you so much, sir. You've been a great supporter. Ragini, I don't know how to do this. Management ko lagta hai ki that you should resign. I'm there whenever you need help. Huh? सब सो गए हैं कोई जगह है सबकी वजह है सब बेवजह है साहब चलता है साहब चलता है साहब चलता है कुछ तो हुआ था आपके साथ क्या हुआ था 10 जनवरी की रात को सच क्या है प्लीज हेल्प मी प्लीज किसकी नसों में लहू जम गया है सबकी वजह है सब बेवजह है सब चलता है मैं लाल बहादुर शास्त्री जी पे रिसर्च कर रही हूँ क्या आप इन्हें पहचानते हैं अकबर अकबर लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ से रिलेटेड तुम क्या जानते हो किसके लिए काम करती हो सच के लिए बच्चों जैसी बातें मत करो पता किससे पंगे ले रही हो तुम दीज आर इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंट्स तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम गायब हो जाओगे इस दुनिया से हमेशा के लिए अपनी जान बचाओ भागो रन Was it CIA? तो फिर दो बार खुद को जलाया क्यों मुख्तार ऐसा क्या जानते हो तुम जो ऐसे छुपते फिरते हो भागते फिरते एक लाश की तरह उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म स्प्रेड कर रहा था और यूएसएसआर सोशलिज्म और कम्युनिज्म सी ये आयरन कर्टन इस तरफ की सारी कंट्रीज अमेरिका की एलाइज थी और इस तरफ की यूएसएसआर की और ये कोल्ड वॉर कोई आर्मीज नहीं कर रही थी दो सीक्रेट एजेंसीज चला रहे थे CIA और KGB 1970s ये स्पाइस का दौर था और इंडिया उस समय की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री थी दोनों के लिए और CIA की ये फिलॉसफी थी कि किसी देश को अगर गुलाम बनाना है तो उसे पैसों से खरीदो लेकिन KGB का ये मानना था कि लोगों के दिमाग पे कब्जा कर लो वो तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे लेकिन शास्त्री जी के होते हुए इन दोनों के लिए ये पॉसिबल नहीं था तो शास्त्री जी का सच क्या है सच जब मैंने सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन की तो मैंने सबसे कमाल की चीज सीखी जादू गायब करने का जादू लोग गायब
चीजें गायब, डॉक्यूमेंट्स गायब, जस्ट लाइक दैट. सी और सच वो भी गायब. Opponents, intellectuals, leaders, witnesses, whistleblowers, professors, ऐसे गायब करता था मैं. Riots, assassinations, coups, unrest, सब कुछ. Document, government, facts, figures, spies, truth. ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल था. मुझे लगता था मैं ही खुदा हूं. Nothing, nothing. ये सब कोई और ही चलाता है. कौन? वो दिखाई नहीं देता. उसका कोई पता, कोई ठिकाना नहीं होता. लेकिन ये सब उसके इशारों पे ही चलता है. Almost like a god. तुम्हें क्या लगता है कि जब मेरे जैसे लोग उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारे जैसे लोग उसे ढूंढ लेंगे? मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं. किसी के डेथ की दो मेडिकल रिपोर्ट कभी बनी है ऐसा सुना है तुमने? डायरी वो रखते थे, लाल डायरी. वो लाल डायरी उनकी नहीं आई थी जिसमें वो रोज मर्रे की बातें लिखा करते थे. थर्मस मेरी माँ कहती है नहीं आई, जिसमें उन्होंने आखिरी बार पानी या दूध पिया था. ललिता जी ने भी ऐसी बात कही थी धर्मयुग के इंटरव्यू में. धर्मयुग एक वीकली हिंदी मैगजीन थी. उसके एडिटर थे धर्मवीर भारती. शास्त्री जी थर्मोस की तरफ क्यों इशारा कर रहे थे? क्या उन्हें पानी चाहिए था? पानी या दूध, सवाल यह है उस थर्मोस में था क्या? शास्त्री जी को रात को इस इसबगोल खाने की आदत थी. हमेशा की तरह उनके अटेंडेंट ने उन्हें थर्मोस में दूध दिया था. इट्स ऑल रिकॉर्डेड इन माय बुक. चलिए माना उनके अटेंडेंट ने थर्मोस में दूध दिया. वो थर्मस गिरा हुआ था यानी खाली, मतलब उसमें जो भी था दूध या पानी पिया जा चुका था. तो क्या शास्त्री जी ये इशारा करना चाह रहे थे कि उनकी हालात ऐसी उसमें जो भी था वो पीने की वजह से हुई है? क्या उसमें जहर था? थर्मस में क्यों? जहर तो हवा में भी हो सकता है ना. ये आपका काम है पता करना, आप हिस्टोरियन है. नो नो नो, दिस इज नॉट अ लाफिंग मैटर. लुक हियर जा, हिस्टोरियंस का काम होता है वारदातों को रिकॉर्ड करना, उनको तोड़ना मरोड़ना नहीं. और यहाँ पर हर हिस्टोरिकल फैक्ट को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है. थॉमस सीधा था, गिरा था, गिरा था तो किस एंगल पे गिरा था, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है अगर पीएम उसकी तरफ इशारा कर रहे थे? आप मुझे बताइए, एक एक आदमी जिसको हार्ट अटैक आया हो, उसका हाथ तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना. कॉमन सेंस. 50 सालों से हिस्टोरियंस रिसर्च कर रहे हैं, किसी ने आज तक ये ऐसे सवाल नहीं उठाए. ढांचा कितनी दूर था, ऑक्सीजन था या नहीं, अरे वो क्या फर्क पड़ता है वो थर्मस में पानी था या दूध. एवरीवन अग्रीज के उनको हार्ट अटैक हुआ था. हियर वी गो अगेन, हियर वी गो अगेन. इफ एवरीवन अग्रीड तो ये कमिटी बनी क्यों? हम यहां बैठे क्यों हैं मैडम? आई डोंट नो, यू टेल मी. क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि थर्मोस की कंटेंट्स के फोरेंसिक टेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरे कैसे होगा नंता साहब, क्योंकि थर्मस गायब. डॉक्टर्स डायरी की तरह थर्मस भी गायब. अब सवाल यह पैदा होता है कि उनकी पर्सनल डायरी कहां गई? अरे हमेशा मन में डाउट होते हैं तो मेरी तरफ क्यों देखते हो यार? सर आप ही बताइए, एविडेंस का ना होना क्या कहता है? देखो कश्यप, एविडेंस का ना होना एविडेंस नहीं होता. एब्सोल्युटली सही बोल रहा हूं. शांत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कोई मसला हल नहीं होगा भाई. चलो हम ये तो एग्री करते हैं ना कि हमारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सही है, और उसे गलत साबित करने के लिए हमारे पास कोई और एविडेंस नहीं है. कौन सी मेडिकल रिपोर्ट सर? व्हाट सर, कौन सी मेडिकल रिपोर्ट, इंडियन या सोवियत? व्हाट डिफरेंस? मतलब डिफरेंस है, हमसे कहा गया था कि मेडिकल रिपोर्ट्स एक इंडियन गवर्नमेंट को दी गई थी और एक सोवियत गवर्नमेंट को दी गई थी, बिल्कुल आइडेंटिकल, हूबहू, राइट? ये गलत इन्फॉर्मेशन है.
क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं थी, क्योंकि एक रिपोर्ट में लिखा है दैट इट कैन बी कंसिडर्ड दैट द डेथ वॉज ड्यू टू अक्यूट अटैक ऑफ इनफार्क्ट मायोकार्डियो, जबकि दूसरी रिपोर्ट में लिखा है दैट इट मे बी कंसिडर्ड दैट द डेथ वॉज caused by myocardial infraction. Yeah, identical cases. Oh my God, what is all this? Could be a spelling mistake or some translation error or something. Agar ye reports identical the, mistake kaise ho sakta hai? Exactly my point. Thank you. Thank you, sir. Sir, aap mujhe bataiye, ek report mein likha hai that he was given glucose, adrenaline or potassium chloride. Ek aur report mein likha hai he was given glucose, adrenaline or calcium chloride. To potassium chloride aur calcium chloride mein antar to hai? Haan, dono do cheeze alag mein. Afwah hai, ye sab suni sunai baatein hai. Let me tell you. The words for potassium and calcium are very similar in Russian. Kali matlab potassium aur kalsi matlab calcium. To jis aadmi ne translate kiya Russian report, उस आदमी ने काल सी को गलत ट्रांसलेट किया था एंड ही रोट पोटेशियम जबकि कैल्शियम होना चाहिए था. ठीक है मैम, फिर आप सब मुझे ये बताइए कि जो इंडियन रिपोर्ट है जो डॉक्टर चुग ने बनाया था उसमें सिर्फ 600 डॉक्टर्स ने सिग्नेचर्स किए थे, लेकिन ठीक 3 दिन बाद जो सोवियत रिपोर्ट बना उसमें 8 डॉक्टर्स ने साइन किए थे, मतलब 2 और डॉक्टर्स ने साइन किए थे जिसमें से एक थे डॉक्टर शमीर जेब और एक और थी यस डॉक्टर ई जी येरमिन सीनियर डॉक्टर जो सबसे पहले वहां पर पहुंची थी. और जब वो उन्हें शास्त्री जी को रिवाइव नहीं कर पाई, जब प्रेमिया कोसिजिन ने येरमिन को मैम से पूछा था कि रिवाइवल क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था दैट वुड बी पॉसिबल ओनली इफ डेथ वॉज ड्यू टू हार्ट फेलियर. रिवाइवल तभी पॉसिबल है अगर सच में शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट फेल से ही होती. दैट मीन्स शी वॉज आउट एंड आउट इन डाउट, इसलिए उन्होंने डाउटफुल जो रिपोर्ट है उसमें साइन किया. ये सब इंफॉर्मेशन आप कहां से ला रहे हैं? जहां से आपको लाना चाहिए था. फेक न्यूज लिखने वालों के सोर्स नहीं पूछे जाते. आशा जी, यू नो मैम, जब 2012 में आपको पद्मश्री मिला था तो सबसे पहले ट्विटर में मैंने आपको कंग्रेचुलेट किया था. थैंक यू वेरी मच, बट दैट डज नॉट मीन कि इतिहास पे सिर्फ आप ही किताबें लिखती है. अच्छा, आप दोनों ट्विटर पे हैं? मैंने अभी अभी जो भी कहा वो सब इस बुक में अवेलेबल है. इट्स ऑल मेंशन्ड. मलकानी, हाँ, के आर मलकानी, पांडिचेरी के गवर्नर थे. सो इज इट पॉसिबल कि 16 फरवरी 1966 की जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स थी उसमें फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह जी ने जो बयान दिया था उसमें तो मेडिकल रिपोर्ट थी, लेकिन जब उसी प्रोसीडिंग की प्रिंटेड कॉपी निकली उसमें से मेडिकल रिपोर्ट गायब कर दी गई. व्हाई? रखना भूल गया होगा, किसी से भी मिस्टेक तो हो ही सकती है. सर, मिस्टेक पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग? दादा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. जब गवर्नमेंट ने ही सिस्टमैटिकली शास्त्री को इग्नोर कर लिया तो फिर ये क्या पॉइंट हुआ? एक्सक्यूज मी मिस रॉय, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिकली इग्नोर? मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अब कुछ रखा नहीं है. फिर भी आप लोग समझते हैं कि इस मुद्दे पर बहस करना चाहिए, मेरा मतलब और बहस करना चाहिए, तो ठीक है, हाथ उठाए. अरे सर, जज साहब, आप क्यों उठा दिए? जो कुछ मैंने यहां सुना है और जो कुछ मैंने पढ़ा है कागजों में, आफ्टर दैट आई एम कन्विंस्ड कि शास्त्री जी की डेथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है. यस, श्योर फॉर दैट. तुम शास्त्री जी के बारे में क्या जानते हो? वो एक ईमानदार और महान पीएम थे, पाकिस्तान से वोट जीता. लेकिन अगर वोट ना हुई होती, बैठो बैठो बैठो, अगर
वॉर ना हुई होती तो ईमानदार तो वो तब भी थे, लेकिन महान कहलाते क्या अगर उस रात उनकी मौत ना हुई होती ताशकंद में? लोग व्यक्ति की कमजोरियों गलतियों सबको भूल जाते हैं एक जीत के बाद। किसी को ये याद भी नहीं है कि शास्त्री जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था पार्लियामेंट में, विजयलक्ष्मी पंडित लाई थी नो लेस, एंड शी सेड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कॉलीग्स हैव बिकम प्रिजनर्स ऑफ इनडिसिशन। लेकिन लोगों को याद है सिर्फ उनकी जीत। तो अगर ये लड़की कामयाब हो गई तो लोगों को याद नहीं रहेगा कि ये फेक न्यूज लिखती है। Everything all right? वो एक ट्रेटर से मिलती है ताशकंद में और मुझे खबर भी नहीं है। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी वाइफ को संभाल सकते हो, आई मीन एक्स वाइफ। बाबूजी ने सिर्फ इतना ही कहा, क्या खबर है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों के अंदर कुछ नाराजगी सी है कि ताशकंद डिक्लेरेशन में आपने साइन कैसे कर दिया। लेकिन बाबूजी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे देश की धरती पर पैर रखने दो, जब मैं वहाँ लोगों से खुलकर दिल की बात उन सब से कहूँगा तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। एहसान, मेरा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है वहाँ पर बहुत बड़ा, कि ऐसे क्या चीज़ थी जो बाबूजी ने कहा? कोई सीक्रेट था जो बताना चाहते थे? कहीं वो सीक्रेट ये तो नहीं थी? फेक न्यूज़। आयशा जी, उस जमाने में फेक न्यूज और फोटोशॉप नहीं हुआ करते थे। ये एक कॉमन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ताशकंद में शास्त्री जी और नेताजी बोस की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। ओह कम ऑन श्याम, बोस डाइड इन एन एयर क्रैश इन 1945, शास्त्री ताशकंद गए 1966 में, कितना गैप हुआ 21 साल का। नहीं नहीं नहीं, नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, ही वाज अलाइव। ये कहानी है जो देश को बेची गई और किसने बेचाई भी हम जानते हैं। जी हाँ, मुझे भी लगता है कि नेताजी इंडिया आए तो थे लेकिन छुप के। वंडरफुल, तो अब आप गुमनामी बाबा की भी बात करेंगे। ये गुमनामी बाबा कौन है? अरे नेताजी के गायब होने के बाद गुमनामी बाबा बन के नेताजी बोस अयोध्या आए थे, ये जस्टिस साहब की रिपोर्ट में है। पर इससे ये तो जरूर साबित होता है कि हम यहाँ सच जानने के लिए नहीं बल्कि एक माइथोलॉजी क्रिएट करने के लिए बैठे हैं। थैंक गॉड मैम, माइथोलॉजी को हिस्ट्री बताकर लिखने तो नहीं बैठे। एक्सक्यूज मी आयशा जी, डॉक्टर होमी जे बाबा जिनको शास्त्री जी ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को चार्ज दिया था, उनके प्लेन एल्प्स में क्रैश हो जाता है, वो भी शास्त्री जी के मौत के सिर्फ 13 दिन के बाद। क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? नहीं, ये एक एक्सीडेंट था। रियली? सर मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सर ये किताब है, कन्वर्सेशंस विद द क्रू। इसमें ये सीआई के एक बहुत बड़े अफसर रॉबर्ट क्राउली ने इंटरव्यू दिया था ग्रेगरी डगलस को, तो इस इंटरव्यू का एक छोटा सा अहम हिस्सा मैं सुना रहा हूँ। इसमें डगलस ने पूछा था कि हु इज दिस जोकर, ये जोकर कौन है? तो क्राउली ने जवाब दिया था, है नहीं, था, और उसका नाम था भाभा। तो ये भाभा जब वीना जा रहे थे 707 बोइंग विमान से, तो अचानक उस प्लेन के कार्गो सेक्शन में बम फटा, भाभा, प्लेन, बाकी के लोग सब गायब। ये क्राउली कहता है कि नो रियल एविडेंस एंड द वर्ल्ड वाज मच सेफर। कम ऑन मिस्टर कश्यप, क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? एक भाभा की मौत से द वर्ल्ड बिकेम अ सेफर प्लेस। डॉक्टर होमी, डॉक्टर होमी जे बाबा, एक बाबा, व्होमेवर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और उनके सीआईए को हमारे एक साइंटिस्ट को मारने की जरूरत पड़ गई टू मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस। इतनी बड़ी योजना करनी पड़ी? आर यू सीरियस? वो गाड़ी में बॉम्ब डालते, पार्क में मारते, दिवाली पे उनकी मिठाई में जहर डाल देते, कुछ भी कर सकते। अद्भुत, यही सवाल, सेम हूबहू। सर आपने कहा था ना हूबहू, आइडेंटिकल, बिल्कुल यही सवाल डगलस ने क्राउली से किया था। और पता है क्राउली ने क्या जवाब दिया था? कि उस गाय की पूजा करने वाला, टोपी पहनने वाला बेवकूफ नेता जो कि न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था इस बाबा के मदद से, तो हमें उसे उड़ाना बहुत जरूरी हो गया था, तो हमने
उस गाय की पूजा करने वाले, टोपी पहनने वाले बेवकूफ नेता और भाभा दोनों को यूं उड़ा दिया, यूं। तो सर, CIA के नजरों में वो गौ भक्त, टोपीधारी बेवकूफ नेता कौन था? हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और क्राउली की एग्जैक्ट लाइंस मैं आपको सुनाता हूं, क्या लिखा उसने, ये, वी नॉक्ड ऑफ भाभा एंड नेल शास्त्री। नॉक्ड ऑफ भाभा एंड नेल शास्त्री? यस। व्हाट इज दिस, सम काइंड ऑफ वीडियो गेम? Bloody capitalists, imperialistic, cold-blooded, heartless murderers, savages. गरीब को और गरीब बनाओ, रईस को और रईस, बस। और हम क्या करते हैं? We give them the red carpet treatment. Globalization के नाम पे, liberalization के नाम पे, my foot. ये सब एक scam है, हमारी देश की जनता के साथ, to make them slaves to American corporate culture. You know? Globalization is just another word for corporate slavery. वो हमें अपनी बंदूकों से नहीं मारेंगे. They'll kill us with burgers and fries and colas. You know, we need to end this capitalism before it ends us all. समाजवाद ने करीबन 6 करोड़ मासूम लोगों को मारा था. क्राउली झूठ बोल रहा था। आपके सामने किताब पढ़ी हुई है। अरे किताब की छोड़ी है। He was a retired man. अभी CIA छोड़ने के बाद कोई कुछ भी बोल सकता है। You just use the facts that suit your story. दुनिया के इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ कोई क्यों झूठ बोलेगा? है कोई लॉजिक? पहचान, that is recognition. आदमी रिटायर होने के बाद अपनी पावर के साथ अपनी पहचान भी खो देता है। अपनी पहचान को वापस पाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, यहां तक के झूठ भी बोल सकता है, झूठ। पासवर्ड क्या है? You can't be here. You changed it. तुम कोर्ट के ऑर्डर्स भूल गए क्या इमरान? You can't be within 500 meter radius of my house. And you can't be within a 5 meter radius of my minister. I'm going to call the police. क्या करेंगे? जो जैसे चल रहा है चलने दो. इस खेल में तुम कभी जीत नहीं सकती हो, understand? So stop it. और अगर मैं नहीं रुकी तो? हमारे रास्ते में आऊंगी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये वो आदमी बोल रहा है जिसने एक बार मुझसे वादा किया था that he will protect me. You're not that woman anymore. You've never been a man. Natarajan's dog. ये पुलिस तुम्हारे साथ 24/7 रहेगी जब तक तुम पर ये थ्रेट है। राधा तोरी बतिया ना मानू रे, राधा तोरी बतिया, हा राधा तोरी बतिया, राधा तोरी बतिया। वेलकम वेलकम। ओह वेलकम वेलकम सर, वेलकम। यू हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कैसे चल रही है कॉल? उन लोगों ने यूनियन बना ली। कोई ऐसा नारियल है कि टूटेगा नहीं? ये
इंदिरा को तोड़ा जा सकता है अगर उसकी एनजीओ पे लगाई हुई टैक्स इंक्वायरी को विथड्रॉ कर लिया जाए। हेलो, हाय मैम। राधा तोरी बतिया, हाँ राधा तोरी बतिया। वो मीटिंग कमिटी के बारे में थोड़ी बात करनी थी कुछ। What the hell? I have to meet Imran. Can I get you something to drink? Why aren't you killing me? Oh, my dear. We go by law. Tum itna dar kyun rahi ho? Agar kuch galat nahi kiya hai to. Jo log sirf galat kaam karte hain, wo bhi to kisi se nahi darte hain. Kiski baat kar rahi ho? Jin logon ne Shastri ji ko mara. Uske bare mein to aapki committee jaanch kar hi rahi hai. Committee? Wo to ek drama hai, like a reality show. Everything scripted and staged. उनका मकसद सच जानना नहीं बल्कि एक झूठ क्रिएट करना है क्योंकि आप में से किसी में करेज ही नहीं है सच। ओह कम ऑन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट करेज। टीवी कैमरा के सामने बोलने के लिए नहीं, टीवी कैमरा के सामने चुप रहने के लिए करेज की जरूरत होती है। 125 करोड़ के लिए क्या सही है क्या गलत ये चॉइस करने के लिए करेज की जरूरत होती है। अपने लिए जो भी जरूरी हो उसको लार्जर कॉज के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए करेज चाहिए। जिस सच से देश का नुकसान हो वो जानते हुए भी चुप रहने के लिए करेज की जरूरत होती है। वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो हमेशा अपने पास्ट में जकड़ा रहे। इस पास्ट से डिटैच होने के लिए करेज की जरूरत होती है। पास्ट सर, पास्ट को भूला जा सकता है, उससे बचा नहीं जा सकता। एक ना एक दिन वो आकर हमारे सामने जरूर खड़ा हो जाता है और इस केस में भी वही होगा। उस दिन हम एक बार फिर करेज की बात करेंगे। You trying to threaten me by any chance? No sir, I'm informing you कि मैं आपका पुलिस प्रोटेक्शन रिजेक्ट करती हूँ क्योंकि अब ये सिर्फ शास्त्री जी के बारे में नहीं, एक सिटीजन के राइट के बारे में है। My right to truth. रागिनी फूले ने सरकार की तरफ से पुलिस प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है जिससे कमिटी की फाइंडिंग्स को गुमराह किया जा सके। कोइंसिडेंस थोड़ा सा ज्यादा ही सा हो गया क्योंकि उसके बाद डॉक्टर चुग का एक्सीडेंट हुआ, उनकी फैमिली के कुछ आई थिंक वाइफ वगैरह भी उसमें मारे गए, उस पर भी कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं हुई। और उनके साथ जो रामनाथ गया था उनका पर्सनल अटेंडेंट, कि एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ उसमें वो बच गया, दूसरे बार फिर एक्सीडेंट हुआ और यही हुआ जनपद पे ही अपाहज हो गया वो, और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के केस में सिर्फ दो ही विटनेसेस थे, एक थे उनके पर्सनल असिस्टेंट रामनाथ और एक थे डॉक्टर चुग। दोनों की कोइंसिडेंटली अलग अलग दिनों में ऑफकोर्स कार एक्सीडेंट से डेथ होती है। दो विटनेसेस, दोनों मर गए। अगेन नो विटनेसेस, नो केस, नथिंग। अद्भुत संयोग, यहां आके साइंस भी फेल और कॉमन सेंस भी फेल, क्या कहेंगे इसको? ये तो बिल्कुल फिक्शन की तरह है। लाइफ इज फिक्शन इंदिरा। आई नो बट वी आर हियर टू फाइंड द ट्रूथ aren't we? But truth is a luxury, my dear. इसलिए यहाँ पे कुछ केसेस सॉल्व ही नहीं होते। जीप केस, हवाला केस, चॉपर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, बेल्लारी माइनिंग केस, तेलगी केस। ट्रूथ इज इंडीड अ लग्जरी इन आवर कंट्री। अरे इंदिरा जी, कुछ और लग्जरी भूल रही हैं आप। ललित नारायण मिश्रा की हत्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय केस, CWG, 2G, यूनियन कार्बाइड्स, बोफोर्स, इवन गुमनामी बाबा। अरे कश्यप, मुझे मत देखो यार। सब आप लोगों की कृपा है। सर बोलिए ना सर, इट्स वेरी इरिटेटिंग। इंटेलिजेंस एजेंसीज
हमेशा डिटेल्ड एविडेंसेस सबमिट करते हैं। उन्हें कौन गायब कराता है हम सब जानते हैं। जब जुडिशियल के पास मरे हुए या हॉस्टाइल विटनेसेस या मिसिंग एविडेंस केस आते हैं तो जुडिशियल क्या कर सकती है? सर, आपके कहने का ये मतलब है कि शास्त्री जी की केस से रिलेटेड जितने विटनेसेस थे उन्हें भी मार दिए गए और एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स गायब कर दिए? बिहेव योरसेल्फ यंगर, बिहेव योरसेल्फ। मैंने ये कभी नहीं कहा सर। और आप इधर आइए। आप आइंदा ऐसी बात आप नहीं करिएगा। हमारा भारत कोई तानाशाही नहीं, दुनिया का एक कामयाब डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी? जी। रियली? यस। शायद इसलिए मेरी जेनरेशन में से किसी को पता नहीं है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, आज इंडिया जो दूध के प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर है, ये सब शास्त्री जी ने शुरू किए थे। शास्त्री जी इंडिया के पहले इकोनॉमिक रिफॉर्मर थे और किसी को पता ही नहीं। अब मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, नॉट एज इंदिरा जोसेफ रॉय, पर एक माँ की हैसियत से। ये कितने शर्म की बात है ना कि मेरे बेटे तक को नहीं पता कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जी भी पैदा हुए थे। सो ये है आपकी डेमोक्रेसी, ये है आपका एजुकेशन सिस्टम। मुझे कोई संदेह नहीं है कि शास्त्री जी को हमने 2 बार मारा। पहली बार टैशकेंट में और फिर सिस्टमैटिकली हमने उन्हें देश की याददाश्त से ही मिटा दिया। सर, मैं देख रहा हूं यहां कुछ लोगों का मकसद सच जानना नहीं है, पॉलिटिक्स खेलना है, डर्टी पॉलिटिक्स। हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं कि शास्त्री जी ने हमारे देश के लिए क्या किया है? कैसे हम उन्हें अपने दिल से, अपने मन से हमेशा के लिए मिटा दें? क्योंकि यह सत्य और अहिंसा का देश है, यह गांधी और नेहरू का देश है। शास्त्री जी का क्यों नहीं? व्हाट? शास्त्री जी का क्यों नहीं? हेलो रागिनी, आई फाउंड आउट केपी बख्शी, वेटरन जर्नलिस्ट। बख्शी ने एक रिपोर्ट लिखी थी कि लाल बहादुर शास्त्री की डेथ का सीक्रेट सर्विस से कुछ लेना देना है। CIA? I don't know. अगर केपी बख्शी एज विटनेस आ गया तो फिर सब कोई चुप हो जाएंगे। डोंट बी इंपेशेंट रागिनी, बख्शी तुमसे खुद कॉन्टेक्ट करेगा। उसके पहले तुम शास्त्री की बॉडी को स्टडी करो, दैट विल बी योर लेवल 3। एयरपोर्ट पे हमने उनका पार्थिव शरीर देखा तो उसको हमने देखा कि उनका चेहरा जो है पूरा नीला हो गया था। और बाद में कुछ कार्डियोलॉजिस्ट से बात की, बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने कहा इधर माथे पे टेम्पल्स पे जो वाइट स्पॉट्स थे वो केवल स्नेक बाइट या ऐसा पॉइजन जो ब्रेन हैमरेज या ब्रेन को डैमेज करे उस केस में होता है। शास्त्री जी की डेड बॉडी जब पालम एयरपोर्ट पहुंची तो पूरी तरह से सूज गई थी और काली पड़ चुकी थी। काली नहीं, नीली। When the body decomposes, it turns blue. अरे, it's a discoloring of the skin. What does it matter? Most of them are black and white pictures. One second. Look at this
Unless you decide blue or black. और यही नहीं, शास्त्री जी के बॉडी में कई सारे कट्स थे जिनमें से खून निकल रहा था। नहीं नहीं नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। देखिए क्या होता है कि ऐसे अवसर पर फैमिली वाले काफी इमोशनल हो जाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए कानूनी सख्त होना बहुत जरूरी है। उनका एक दोस्त था सीपी श्रीवास्तव, ही हैड कंसल्टेड टू ब्रिटिश डॉक्टर्स, डॉक्टर लियन वेस्ट एंड डॉक्टर स्पायरो, और दोनों ने कंफर्म किया दैट द कलर ब्लू इज क्वाइट कंसिस्टेंट विद डेथ ऑफ नेचुरल कॉजेस। एंड व्हाट अबाउट द कट्स एंड द ब्लड, क्या वो भी कंसिस्टेंट है विद नेचुरल डेथ? देखिए, उनकी बॉडी पर अगर कट्स थे और उसमें से खून निकल रहा था तो वो उनके कपड़ों पर लगा होगा और वो कपड़े उनके फैमिली के पास जरूर होंगे। सो आस्क देम टू सेंड इट। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका पोस्टमार्टम पहले यूएसएसआर में हो गया हो? आई स्टडीड एवरीथिंग एंड केम टू अ कंक्लूजन दैट देयर वाज नो फाउल प्ले एंड ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। हु सेड दैट? यहां हिस्टोरियंस की बात कोई मान नहीं रहा है, मैंने सोचा जर्नलिस्ट की बात पर ही यकीन हो। यह कुलदीप नैयर, इंडिया के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट और शास्त्री के प्रेस सेक्रेटरी, ये भी उस वक्त वहीं पे थे। और मुझे एक बात बताइए, अगर जहर का शुबा होता तो वहां यूएसएसआर में उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता या फिर हमारी गवर्नमेंट नहीं कराती? बी अ ट्रूथ सीकर, नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, सोवियत गवर्नमेंट ने फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट की पर उन्होंने मना कर दिया। बहुत देर से सुन रहा हूं मैं आप लोगों की बकवास। पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो चुका है और गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को व्हाइट पेपर दे दिया था। और व्हाइट पेपर इज द लास्ट वर्ड। यस, व्हाइट पेपर पार्लियामेंट का लास्ट वर्ड है। पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मंदिर, उस लोकतंत्र के मंदिर, उस टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में जब टीएन सिंह, एचवी कामत, कृष्णकांत, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वेटरन लीडर्स ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की तो वो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या नहीं किया, कांट बी आर कंसर्न टुडे? दैट शुड बी आवर कंसर्न। सर, सर उन दिनों पार्लियामेंट में एक सवाल उठा था जिसका जवाब सरकार आज तक नहीं दे पाई है कि उस दिन शास्त्री जी को उस थर्मस में दूध किसने दिया था, उनके कुक ने या कि अमेज़न साहब के कुक ने? अगर अमेज़न साहब के कुक ने दिया था तो फिर उसी दिन क्यों? क्या नाम था उस रसोइये का? जान मोहम्मद। चलिए एक कॉमन सेंस की कहानी सुनाते हैं, आइए। एक आदमी एक कमरे में छत से फंदा लगाकर लटका हुआ था, रस्सी 10 फीट की थी, कमरा खाली था, उसके पांव और फर्श के बीच में 10 इंच का फासला था और उस कमरे में कहीं कोई स्टूल, टेबल या वैसी 10 इंच ऊंची चीज नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था। तो उस आदमी ने सुसाइड कैसे किया? कोई साइंस नहीं है इसमें, कॉमन सेंस। He got an ice slab, जो 10 इंच मोटी थी बर्फ की सिल्ली, वो पिघल गई। तो चेयरमैन साहब, हमें इस केस में वो बर्फ का सिल्ली ढूंढना होगा। इस केस का जड़ है पोस्टमार्टम। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? मैं बताता हूं, क्योंकि पोस्टमार्टम किया जाता तो पता चल जाता उन्हें जहर दिया गया था। कैसे? उस दूध में, उस थर्मस में, जिसकी तरफ शास्त्री जी बार बार इशारा कर रहे थे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि उस दिन उनका खाना कौन बनाया, उनको दूध कौन दिया, उनको वो थर्मस कौन दिया, वो व्यक्ति कौन था? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद? कौन जान मोहम्मद? जो इसके पहले कभी भी शास्त्री जी को खाना नहीं दिया, उनका खाना नहीं बनाया। ओ कम ऑन, दिस इज ऑल गूगल नॉलेज। वो इससे पहले बार उनके लिए खाना बना चुका था व्हेन इन 1965 शास्त्री हैड गॉन टू यूएसएसआर। वो रिहर्सल रही होगी। ओ कम ऑन। नहीं, रामनाथ शास्त्री जी के रसोइये थे, सदैव उनके साथ रहते थे, रोजाना उनका खाना बनाते थे, तो उस दिन रामनाथ क्यों नहीं? उस दिन जान मोहम्मद कैसे बनाया, क्यों बनाया? क्या इसके पीछे कोई साजिश, कोई षड्यंत्र था? या इस जान मोहम्मद के पीछे कोई दूसरा जान मोहम्मद है, उसके पीछे कोई तीसरा जान मोहम्मद? आप जान मोहम्मद के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं जैसे आपने ही उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया हो। जी मैंने नहीं दिया था,
पर सब जानते हैं किसने किया, नाम नहीं लेते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप, जरा खुल के बात करिए। यही प्रॉब्लम है, इनसे रिलेटेड कुछ भी कहो तो लगता है जैसे आपने गुनाह कर दिया। खुल के बोलिए। छी 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 छी, इतनी शर्म की बात है कि तुम इस लेवल पे उतर कर बात कर रहे हो। अरे सर, एक प्रधानमंत्री को जहर दे दिया गया, उसमें लेवल नहीं दिखता आपको? मेरी बातों में लेवल दिखने लगा आपको? एक ऐसे आदमी का केस जिसने 12 साल की उम्र में अपना सरनेम ड्रॉप कर दिया हो क्योंकि वो जात पात की ऊंच नीच से नफरत करता था। यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू इंडिया सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म, इस शब्द ने जितना बंटाधार किया इस मुल्क का, उतना कुछ नहीं किया। सर व्हाट इज सेइंग? नहीं नहीं, सुनिए कश्यप जी, सुनिए, सुनना पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री को जहर दे दिया जाता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, बॉम्बे में ब्लास्ट। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। इंसान बस साथ कहेगा। देखिए, गुस्सा होकर चली गई, ऐसे ही है ये गरम खून। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि लोग पीठ पीछे बोलते हैं गंगाराम झामू पे। किसी दिन आपके पास फ्लाइट में, बस में, ट्रेन में बैठे होंगे और पता नहीं कौन सा जहर लेके। रोकिए इन्हें, खतरा। अनंता साहब, आप तो जानते ही हैं, कुछ करिए, रोकिए इन्हें, नहीं तो एक दिन अपनी फौज लेकर आएंगे सबको मारने। विल यू जस्ट शट अप? गंगाराम को शटअप करा देंगे आप, इन्हें कैसे शटअप कराएंगे? आई एम सॉरी सर, मैंने इतनी गंदगी एक साथ पहले कभी नहीं देखी। Come back to why we are all here today. जान मोहम्मद का सवाल अटल बिहारी वाजपेयी और काफी सारे लीडर्स ने पार्लियामेंट में उठाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ऑपोजिशन में थे, उनका काम ही था गवर्नमेंट की मुखालिफत करना। All right, what about Malkani's book? Malkani की किताब में लिखा है। Come on, it's his autobiography. He can write anything in it. जैसे आपने अपनी किताब में लिखा, anything. मैंने अपनी books अपनी merit पे लिखी हैं. And I didn't have to sleep with anyone to survive. Oh. What did you just say? Kya hai ye? What is this place? Sir, I take very strong objection to the way she just spoke to me. And I take very strong objection to what you guys are doing here. You're trying to create confusion, chaos. क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हम इतने छोटे छोटे फालतू के मुद्दों पे बहस कर रहे हैं जिससे सब कंफ्यूज हो जाए। इतनी थियरीज छोड़ दो दैट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग उसी को सच मानने लगे। जैसे चांद पे कोई उतरा ही नहीं था, 9/11 गवर्नमेंट ने करवाया था, गांधी पे दूसरी गोली चली थी, यो बोस वॉज गुमनामी बाबा, शास्त्री को पॉइजन दिया गया था। All this is called dim lighting. कमरे में इतनी कम रोशनी कर दो कि सब धुंधला हो जाए और किसी को पता ही ना चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। शास्त्री died of a heart attack. Everything else is a lie. Because you said so in your book. You're the last word. That's why. It's a war of narratives.
यहां हम लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी हिस्ट्री लिखने में और आप लोग आके एक नया नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं एंड बेस्ड ऑन व्हाट योर फेक आर्टिकल फेक न्यूज एंड फेक फैक्ट्स जस्ट लाइक योर फेक आइडियोलॉजी और ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है आई एम टेलिंग यू मुद्दा कहीं बहुत बड़ा है मुद्दा हमारे और तुम्हारे बारे में है मुद्दा हमारी आगे आने वाली जनरेशंस के बारे में है जहां एक्सपर्ट्स की राय मानी जाएगी या नॉन एक्सपर्ट्स की फेक न्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री फॉर गॉड सेक लेट द हिस्टोरियंस डिसाइड व्हाट्स करेक्ट और मैडम अगर आने वाली हिस्ट्री में आप ही गलत निकली तो हेलो हाँ मैं अक्षय बोल रहा हूँ मैंने विटनेस का फॉर्म भर दिया है थैंक यू वेरी मच मैं समझता हूँ सर बोलने का टाइम आ गया है मुझे तुमसे मिलना है संडे मॉर्निंग पार्लियामेंट स्ट्रीट थैंक यू दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है सैकड़ों सस्पिशंस होते हैं लेकिन नो सीबीआई नो आईबी नो एसआईटी एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है शास्त्री जी के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन अभी मर्डर साबित नहीं हो सका है ऑफ कोर्स लेकिन उस जमाने में इंटरनेशनल लीडर्स को मरवाना एक मामूली बात मानी जाती थी CIA राइट तुम लोग क्या समझते हो सारे असैसिनेशन CIA ही करवाता है अरे और भी एजेंसीज हैं यू मीन KGB बट सर KGB क्यों करवाएगा शास्त्री जी की डेथ ताशकंद में हुई सबसे ज्यादा सस्पिशंस तो KGB पर जाएगा 1966 में जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था तो दुनिया में जितने भी स्पाइस थे वो सब इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि आने वाले लंबे अरसे तक लाल बहादुर शास्त्री को PMship से कोई अलग नहीं कर सकता है इस बात को लेके इंडिया में भी कुछ लोग परेशान थे लाल बहादुर शास्त्री का केस हिंदुस्तान के हिस्ट्री का सबसे बड़ा कवर अप है लगता है तुमने मित्रकीन आर्काइव्स नहीं पढ़ी है मित्रकीन आर्काइव्स वर्ल्ड की सबसे बेस्ट काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट उसकी वजह से ब्रिटेन में और इटली में तमाम केसेस चले अगर इंडियंस मित्रकीन आर्काइव्स पढ़ लेना तो सिविल वॉर हो जाएगा जब हमारी सरकार ने मित्रकीन आर्काइव्स को डस्टबिन में डाल दिया तब मुझे शुमा हुआ और मैंने इस पर रिसर्च शुरू की अगर मेरी किताब उस वक्त छप जाती तो तहलका मचा देती क्योंकि आपको पता चल गया था कि शास्त्री जी का मर्डर हुआ था ये मेरी किताब की मैनुस्क्रिप्ट है इसे अच्छी तरह पढ़ लेना तुम्हें काफी सवालों के जवाब मिल जाएंगे उसके बाद अगर मैं ना रहा तो छपवा भी लेना क्या शास्त्री जी के साथ भी यही हुआ था रागिनी फूले ने शास्त्री कमेटी के विटनेस बख्शी से बिना कमेटी को इन्फॉर्म किए मिलने की कोशिश की जिसमें बख्शी एक बस के नीचे आके कुचल गए जी हाँ गलती तो बस ड्राइवर की थी पर क्या रागिनी फूले की कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या
कमिटी को बिना बताए एक विटनेस से मिलना अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, देशद्रोह नहीं? क्या सच को जानने के लिए संविधान को तोड़ा जा सकता है? सच की लड़ाई में एक पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस पे चर्चा करेंगे आज रात 9 बजे। You know, Kaiser, Tripathi ji's student has broken the Official Secrets Act. Stay. She is unlawfully influencing, intimidating witnesses. It's a national security risk. It was risky. गलती से वो मर जाती तो बट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट प्रिसिशन। कमिटी मेंबर रागिनी फुले के खिलाफ देश भर में जगह जगह प्रदर्शन किए गए। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने विटनेस बख्शी को गुमराह किया और उनके मौत का षड्यंत्र रचा। अब देखना यह है कि इस विषय पर कमेटी अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी का अगला कदम क्या होगा। इस कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्धारित किया है कि रागिनी फुले पे लगे सीरियस चार्ज को देखते हुए इस कमेटी से उसे निष्कासित किया जाता है। सर आपने ऐसा क्यों किया? जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सर आपको पता है वो कंस्पिरेसी थी। ये कोर्ट डिसाइड करेगी। मैं एज अ विटनेस आना चाहती हूँ। विटनेस कौन आएगा नहीं आएगा ये कमेटी के ऊपर है। जाओ यहाँ से। सर एक सिटीजन का अगर हक सच जानना नहीं है, कम से कम सच बताना तो होना चाहिए ना। सर आपको पता है पपेट्री एकमात्र ऐसी कला है जहाँ पर कठपुतली को ये नहीं पता होता है कि एक्टिंग उससे कोई और ही करा रहा है। एंड आई थिंक यू आर मच क्वालिफाइड देन बीइंग अ पपेट। सो इट्स अप टू यू, आप मुझे हेल्प करेंगे या सोने के रथ पे सवार, फिर किसने सच के टुकड़े किए हैं हजार। सच चलता है, सच चलता है। समझ आ ही गया होगा कि एक करप्ट सिस्टम के साथ सच की लड़ाई आसान नहीं रागिनी। हार गई मैं। पीछे तुम जा नहीं सकती और आगे वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। But there's always hope, रागिनी। Hope? What hope are you talking about?
मेरा जॉब नहीं चला गया, माय सेविंग्स आर गॉन, मुझे कमेटी से निकाल दिया, केबी बख्शी मेरी वजह से मर गया, दे कॉलिंग मी अ ट्रेटर, गद्दार बुला रहे मुझे, एंटीनेशनल बुला रहे, टॉक अबाउट होप, व्हाट होप? पर शास्त्री जी को तुमने नहीं मारा रागिनी, तुमने किसने मारा, किसने मारा शास्त्री जी को, तुमने मारा, कौन हो तुम? मुझे लगता है तुम ही ने शास्त्री जी को मरवाया होगा, क्या चाहते हो यार? कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन किससे काम करा रहा है, ये कभी कोई नहीं जान पाएगा। मैं तुमको ढूंढ के रहूंगी। तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे रागिनी। डीप एसेट। क्योंकि यहाँ जो काम करवा रहा है, उसी को नहीं पता वो किसके लिए काम कर रहा है। पॉलिटिशियंस, पुलिस, जर्नलिस्ट, बाबू, राइटर्स, लॉयर्स, एनजीओस, फिल्ममेकर्स, जिहादी, टेररिस्ट, संत, साधु, स्टोन पेटर्स, सब किसी ना किसी के लिए काम कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता ये कड़ी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म, ये उस कड़ी को भी नहीं पता जिससे भगवान है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता, और यही भगवान की सबसे बड़ी ताकत है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तू समझो राजनीति की तीसरी आंख। तो इस राजनीति के भगवान की तीसरी आंख ने क्या देखा? That you passed the fourth level, Ragini. Welcome to the final level. यहां से एकला चलो रे आगे, एकला चलो रे। बाकी सारे विटनेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रागिनी फूले। सर जिसे कमेटी इंटेग्रिटी के जांच पे रिजेक्ट कर चुकी है, आप उसे एज ए विटनेस कैसे अलाउ कर सकते हैं? But that is a judicial right. तो एथिकल ग्राउंड्स पे उसको डिसमिस कर देना चाहिए। एज ए विटनेस उसकी इंटेग्रिटी डाउट में है। फिर तो हम में से किसी को भी यहाँ नहीं होना चाहिए। Why don't we let the majority decide? ठीक है, फिर जो विरोध में हैं वो हाथ उठाएं। जो पक्ष में हैं वो हाथ उठाएं। आशा जी हाथ उठाएं। कौन सा, लेफ्ट या राइट? जी योर राइटिंग हैंड आशा जी। आई एब्स्टेन। ओके, 3-3। ऐसी सिचुएशन में चेयरमैन के पास भी एक वोट होता है। पक्ष में सर, सर ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? ये तो एक किस्म का टेररिज्म हुआ। ठीक, एकदम सही कहा। हमें मालूम है बंधु, हमें अच्छी तरह से मालूम है टेररिस्ट कौन होता है। जो काम टेररिस्ट इतने सालों की लड़ाई के बाद भी ना कर सके, हमने आसानी से कर दिया। हमने हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया है। हिंदुस्तान समबॉडीज, हिंदुस्तान नोबॉडीज। हिंदुस्तान समबॉडीज मतलब हम चंद लोग जो इसे कंट्रोल करते हैं, और हिंदुस्तान नोबॉडीज जो हिंदुस्तान के सच्चे आदमी हैं। वो हमने कैसे किया? उनके पास एक ही ताकत है, सच। हमने उससे वो छीन लिया।
आवाज उठाने की ताकत का खात्मा कर दिया। हम हैं पॉलिटिकल टेररिस्ट। आप इंदिरा जी, आप इसलिए सपोर्ट कर रही थी कि आप सरकार से नेगोशिएट कर सके ताकि आपके एनजीओस सरकार के राडार में ना आ जाए। आपको सच से कोई हमदर्दी नहीं, आप हैं सोशल टेररिस्ट। दस साहब, आप इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि आप सरकार की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। आपको जस्टिस से क्या लेना देना, सिर्फ अपनी पोजीशन ठीक रहनी चाहिए। आप हैं जुडिशियल टेररिस्ट। और आप, सरकार ने आपका टर्म रिन्यू नहीं किया, आपको इस इंक्वायरी से क्या लेना देना। आप तो सिर्फ रिवेंज ले रहे हैं। ऐसा जी आप, अच्छा आपने कभी सोचा है अगर इंक्वायरी होगी और कोई नई फैक्ट्स निकल आए तो आपकी किताब का क्या होगा जो बेस्ट सेलर है। आपको शास्त्री जी की मौत या सच से कुछ लेना देना नहीं, आपको तो सिर्फ रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी। आप इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है। पर ये मीडिया, रागिनी सच ढूंढने को निकली है लेकिन उनके एडिटर को सच से कुछ लेना देना नहीं, बस अपनी टीआरपी से सिर्फ मतलब है। इसे कहते हैं टीआरपी टेररिज्म। आप गंगा बाबू, आप इंक्वायरी इसलिए चाहते हैं कि बावर्ची का नाम जान मोहम्मद क्यों था, है ना। आप एक रेसिस्ट हैं, टेररिस्ट से भी ज्यादा खतरनाक, गंदा, नीच। और आपका अपना तो कोई सच ही नहीं। आपको राम भी चलेगा, रावण भी चलेगा, बस जब तक आपका फायदा होता रहे। हम सब यहां अपना फायदा, अपना मतलब, इसके आगे कुछ सोचना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि लोकतंत्र चलता है वोटिंग से। नहीं बाबू, नहीं, लोकतंत्र चलता है विचार से, विवेक से, जो इस रागिनी के पास है, आज के युवा के पास है। आज तक हम बोलते रहे लेकिन आज के बाद रागिनी बोलेगी, आज का युवा बोलेगा। सेशन में मीडिया भी होगी जी सर, क्यों लोकतंत्र में हमें कुछ भी छुपाने का हक नहीं है। जय हिंद। सर, आई हैव रागिनी इन्वेस्टिगेशन। आज तक हम बोलते रहे लेकिन आज के बाद रागिनी बोलेगी, आज का छुपा बोले। ठीक कह रही थी वो कि पास्ट को भुलाया जा सकता है, उससे भागा नहीं जा सकता, कभी ना कभी वो सामने आके जरूर खड़ा होता है, जैसा कि अब हो रहा है। That's justice. Exactly like my script. त्रिपाठी जी के डूबते करियर को 2 मिनट की ग्लोरी मिल जाएगी,
रागिनी को लगेगा कि इस लड़ाई में सच्चाई की जीत हुई है। हमारी लीडरशिप अगला चुनाव हार जाएगी क्योंकि जनता समझेगी कि उन्होंने हमारी पार्टी को सच छुपाने का करारा जवाब दिया है। उस सबको फिर से विश्वास हो जाएगा कि अंत में जीत सच और न्याय की होती है। लेकिन सच क्या है किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता कि इस सारे स्क्रिप्ट को रचने वाला कौन है। कौन कहता है कि मरे हुए पीएम से किसी का फायदा नहीं होता। आज की सबसे बड़ी खबर, एनयूसी के अध्यक्ष पद से आदित्य राज ने इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है एनयूसी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में पीके आर नटराजन का नाम सबसे आगे। गेट टू द फ्रीकिंग पॉइंट। ये मकबरा देख रही हो, ये तैमूर लंग का मकबरा है और तैमूर लंग जानता था कि अगर उसे अपनी एम्पायर बनानी है तो उसे उस समय की सबसे रईस सल्तनत पे कब्जा करना पड़ेगा। पता है वो रईस सल्तनत कौन थी? दिल्ली। देखो ये दिल्ली है भारत का दिल और ये है लुटियंस दिल। भारत की 125 करोड़ जनता दिन रात अपनी परेशानी अपनी गरीबी से जूझती है, खून पसीना एक करती है ताकि इस दिल की धड़कन बनी रहे। अब तुम सोचो अगर कोई इस दिल पे कब्जा कर ले तो देश तो चलता रहे लेकिन वो खून वो सोच वो धड़कन हमारी नहीं हो। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा यानी पूरे देश पे कब्जा। कम ऑन, क्या कारण है कि जब भी भारत की जमीन से जुड़ा कोई गरीब ईमानदार लीडर यहाँ आता है तो इस दिल की सारी नशें उसका गला घोटने लगती है। शास्त्री जी का गुनाह क्या यही था कि वो भारत के दिल पे किसी भी विदेशी ताकत का कब्जा नहीं होने देना चाहते थे। थिंक। जहां एक तरफ रागिनी फुले को देश की जनता का सपोर्ट मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ युवा वाहिनी के अध्यक्ष ने कहा है कि वो रागिनी फुले को कमेटी के सामने पेश नहीं होने देंगे। उनके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर रोड जाम कर रखा है ताकि रागिनी फुले किसी तरह भी कमेटी के सामने पेश ना हो सके। शास्त्री जी के मौत के कारणों की जांच करने बैठी त्रिपाठी कमेटी में रागिनी फुले आज कुछ नए फैक्ट्स पेश करें। पहले आप अपना चेहरा साफ करके आइए। देखिए मिस फुले, आपने एप्लीकेशन में लिखा है कि आपके पास कोई नया सबूत है। हम आशा करते हैं कि आप सदन की गरिमा बनाए रखेंगी और कोई काल्पनिक सबूत यहां पेश नहीं करेंगी। और आप मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी सदन की गरिमा बनाए रखें। शुरू कीजिए। ऑनररी मेंबर्स ऑफ द कमिटी, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड बहुत सारी थियोरीज फ्लोट हो रही हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि इनमें से सबसे पॉपुलर थ्योरी कौन सी है, पर मैं ये जरूर जानती हूं कि इनमें से सबसे कम पॉपुलर कौन सी है। सच, द ट्रूथ। यहां तमाम बातें उठी पर सिर्फ एक ऐसा सवाल है जिसके तार बाकी सारे सवालों के साथ जुड़े हुए हैं, पोस्टमार्टम। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया?
आपको पहले ही बताया जा चुका है पोस्टमार्टम इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज नो रीजनेबल सस्पिशन एंड यू आर राइट हमें यहां बताया गया है कि पोस्टमार्टम तब करवाया जाता है जब सस्पिशन हो देयर इज अ स्ट्रांग रीजन ऑफ डाउट और शास्त्री जी की डेथ पे कोई सस्पिशन ही नहीं है देयर इज नो स्ट्रांग रीजन ऑफ डाउट सर मैं आप सभी को यहां बता देना चाहती हूं कि हमसे झूठ कहा गया था इट वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड लाई ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा शास्त्री जी के डेथ के कुछ घंटों बाद जब उनकी बॉडी ताशकंद में ही थी तब केजीबी के 9th डायरेक्टोरेट ने रशियन बटलर अहमद सतारोव उनके साथी कुक्स और इंडियन कुक जान मोहम्मद को अरेस्ट किया था किस चार्ज पे अरेस्ट हुए थे वो शास्त्री जी को पॉइजन देने के चार्ज पर अरेस्ट किया था क्या ये सस्पिशन एक स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ डाउट नहीं है कि ना उनका उनका पोस्टमार्टम कराया जाए लेकिन हो सकता है उनका सीक्रेट मिशन रहा हो और हमारी गवर्नमेंट को कुछ पता ही ना हो क्या ये भी हो सकता है कि एक इंडियन कुक एक इंडियन एम्बेसडर के कुक को गिरफ्तार किया गया हो हमारे प्रधानमंत्री को पॉइजन देने के चार्ज पे और हमारी इंटेलिजेंस हमारी गवर्नमेंट को पता ही ना चले हो सकता है रूटीन क्वेश्चनिंग के लिए किया होगा फिर जान मोहम्मद क्यों रामनाथ क्यों नहीं और मैम आपने कहा था ना कि कुलदीप नैयर ने कहा था देयर वाज नो डाउट प्लीज पे अटेंशन टू दिस सी ये जो पीएन कॉल था उस वक्त जब ताशकंद एग्रीमेंट तो वो वहां एंबेसडर था और अब जब ये बात यहां खुली जब पार्लियामेंट में धर्म जयशदेव था जिसने जो शुरू किया तो उस वक्त वो फॉरेन सेक्रेटरी था यहाँ सो आई वॉज देन द स्टेटमेंट दैट तो उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं अरे यार तुम स्टेटमेंट लिख दे दो ना बात खत्म हो जाए तो मैंने कहा अब मैं क्या पढ़ूँ इन बातों में अब तो मैं अखबार में तो उसने काफ़ी मुझे भेजे किया लेकिन उस दिन से मुझे शक शुरू हुआ क्योंकि उसने एक दफ़ा नहीं इतनी दफ़ा मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा ये भी एस्पेक्ट हो सकता है आपने ये भी कहा था कि दो ब्रिटिश डॉक्टर्स डॉक्टर लियन वेस्ट और डॉक्टर स्पायरो ने कहा कि द कलर ब्लू इज वेरी कंसिस्टेंट विद अ नेचुरल डेथ वो बॉडी डिकम्पोज हो जाता है तो ब्लू हो जाता है आपने सिलेक्टिव रिपोर्टिंग की थी क्योंकि उस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया था उनका बयान था कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के ये कहना इम्पॉसिबल है कि शास्त्री जी को पॉइजन ना दिया गया हो ये सारे फैक्ट्स हमसे छुपाए गए हैं या आप कैसे कह सकती हैं कि गवर्नमेंट ने देश से कुछ जानबूझ के छुपाया हो आपको प्रूफ चाहिए था ना कि अगर शास्त्री जी के बॉडी पे कट्स थे जिनमें से खून निकल रहा था तो वो खून उनके कपड़ों में भी लगा होगा वो कपड़े उनके फैमिली के पास होंगे यह है शास्त्री जी की कैप What? Where did you get that from? जो मुझे उनके नाती संजय सिंह जी ने दी है This was the cap he was wearing that day? Yes. Your evidence. Are there blood stains? आप सब एक मिनट के लिए जस्ट फॉर वन मिनट अपने मन से सोचिए कि आपका कोई फैमिली मेंबर है कोई रिलेटिव वो इंडिया से बाहर गया फॉरेन में अचानक उसकी मौत हो गई और आपको बताया जाता है इट्स अ नेचुरल डेथ हार्ट अटैक से हुआ लेकिन जब वो डेड बॉडी आपके पास आती है वो पूरी तरह से सूज गई है काली पड़ चुकी है बहुत सारे कट्स हैं जिसमें से खून निकल रहा है एज अ फैमिली मेंबर एज अ रिलेटिव क्या आपको पोस्टमार्टम करवाने का भी कोई हक नहीं क्या ये सच नहीं कि तब केजीबी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल देती थी ताकि पॉइजन के कोई ट्रेसेस ना हो
क्या शास्त्री जी के साथ भी यही हुआ था? क्या इसीलिए उनके बॉडी में इतने सारे कट्स हैं जिनमें से खून निकल रहे थे? ओके, लेट्स टॉक अबाउट मोटिव्स नाउ. शास्त्री जी के डेथ के 10 सालों के अंदर इंडिया को फिर से कॉलोनाइज किया गया. यस, इंडिया बिकेम अ कॉलोनी अगेन. कैसे? मैं बताती हूं. हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशंस को यूज करके, हमारे ही पॉलिटिशियंस को यूज करके, हमारी मीडिया को यूज करके, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को यूज करके, हमारी सिस्टम्स को यूज करके इंडिया एक बार फिर कॉलोनी बन गया. अगर शास्त्री जी जीवित होते तो क्या तभी ये पॉसिबल था? किसके इशारों पर ये किया गया? सर, ये क्या बचपना चल रहा है यहाँ पे? ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं. सोशलिज्म किसी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, देश की नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड डालना डेमोक्रेसी की हत्या होगी. We don't need your opinion. And this is not my opinion. ये मैंने नहीं कहा सर, ये उन्होंने कहा है जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर. लेकिन शास्त्री जी के डेथ के 10 सालों के अंदर ही बाबा साहेब की इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश की डेफिनेशन को बदल दिया गया. इसमें ये वर्ड सोशलिज्म ऐड किया गया. हमारी डेमोक्रेसी की हत्या क्यों की गई? सर, दिस कांट गो ऑन रिकॉर्ड नाउ, प्लीज इसे डिलीट करवाइए. किस किस रिकॉर्ड से डिलीट करोगे राणा? और ये सारे चेंजेस तब हुए जब हमारे देश के सोशलिस्ट नेता, हमारे थिंकर्स, राइटर्स, सारे इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट सब जेल में थे. This is a lie. मैं उनमें से एक था. इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई थी. अब तो आपको यह बात स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? सवाल यह उठता है कि शास्त्री जी की डेथ से और हमारी इस डेमोक्रेसी की हत्या से, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से किसको सबसे ज्यादा फायदे की उम्मीद थी? कौन था जो हमारे देश को इस सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में जकड़ना चाहता था? सर, एक मर्डर के क्लूज मर्डर से पहले नहीं बल्कि मर्डर के बाद क्या होता है उसमें छुपे होते हैं. ये किताब, ये बुक, ये द मित्रोखिन आर्काइव, इसे वसीली निकितिच मित्रोखिन ने लिखा है. केजीबी के डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स थे. जब 1992 में यूएसएसआर टूटा उसके बाद मित्रोखिन ने 25,000 केजीबी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन को दिया. उसके बाद ब्रिटेन में और इटली में मित्रोखिन कमीशन बैठाया गया, जिसके बाद जितने करप्ट पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट केसेस चले. इस बुक में एक और चैप्टर है जो इंडिया के बारे में है. क्यों नहीं लाया गया इसको पटल पे? लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है. मित्रोखिन के रिपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट माना जाता है, लेकिन इंडिया में दबा दो, सब दबा दो. मित्रोखिन आर्काइव वॉल्यूम 2. फॉर्मर केजीबी मेजर जनरल ओलेग कैलुजिन ने कहा था, इट सीम लाइक द एंटायर कंट्री वाज फॉर सेल, इंडिया वाज फॉर सेल. क्या शास्त्री जी के होते हुए इंडिया वॉज फॉर सेल पॉसिबल होता? क्या इसीलिए शास्त्री जी को ताशकंद में पॉइजन देकर मार दिया गया? क्या इसीलिए शास्त्री जी के बॉडी पे कट्स थे? क्या इसीलिए शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया? वो कौन था जिसने भारत के माथे पे लिख दिया दैट इंडिया वाज फॉर सेल? आई रिक्वेस्ट यू सर, स्टॉप दिस गर्ल. ये क्या बच्चों का खेल लगा रखा है तुमने? 4 दिन मीडिया में क्या रह ली तुम? एंड यू विल डिफेम योर ओन कंट्री, तुम अभी जानती क्या हो? दिस पीपल आर राइट, दे आर ऑल राइट, यू आर एन एंटी नेशनल. उसको बोलने दो. बच्चों का खेल. मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ
1970s में इंडिया का ऐसा स्टेटस बन गया था दैट इंडिया वॉज स्पाइज डिज्नीलैंड. डिज्नीलैंड मतलब बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क. केजीबी के पूरे दुनिया में जितने स्पाइस थे उसे सबसे ज़्यादा स्पाइस इंडिया में थे. कुछ 21 पॉलिटिकल लीडर्स जिसमें से 4 मिनिस्टर्स थे. एंड देयर समथिंग आई वांट टू रीड. हाँ, अ टॉप लीडर कोड नेम्ड वानो VANO वानो बाय द केजीबी वाज सेंट सूटकेसेस ऑफ मनी ऑन वन ओकेजन. अ सीक्रेट गिफ्ट ऑफ 2 million was personally delivered by the KGB head in India. Another million rupees were given on the same occasion to a newspaper supporting the top leader. In 1978, the KGB was running over 300 agents in India, the biggest number in the world. ये सब इस बुक में अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं. हमारी देश की सिक्योरिटी को बेच देना नेशनलिज्म है. During 1970s, after Shastriji's death, within 10 years, media, journalists, politicians, intellectuals, historians, scientists, professors, security, इनमें से कई लोग केजीबी के पेरोल पे थे. This is nationalism. और ये हमें स्कूल में, कॉलेज में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है. Nobody knows this because कोई ये सब हिस्ट्री में लिखता ही नहीं है. गलत हिस्ट्री लिखना, गलत हिस्ट्री बताना नेशनलिज्म है. सब मुझे बार बार टोका जा रहा है कि तुम अभी बच्ची हो, तुम छोटी हो, स्कूल गर्ल हो, प्रेस्टिट्यूट, एंटी नेशनल. बट सर, आई एम अ हार्ड वर्किंग टैक्स पेइंग यूथ ऑफ दिस कंट्री. और मुझे गर्व है कि पिछले 50 सालों से ये सारे इंटेलेक्चुअल, ये सारे हिस्टोरियंस ने हमसे जो झूठ कहा, जो सच, जो फैक्ट्स दबाए, वो मैंने इस कंट्री के एक यंग सिटीजन ने उन पे सवाल उठाए हैं. बार बार, एक के बाद एक, सारी बातें, सब चीज एक तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन नहीं, हमने अपनी प्रेजुडिसेस, अपनी एजेंडाज की वजह से उस तरफ नहीं देखा है. अगर आपको लगता है कि एक डेमोक्रेसी में एक सिटीजन का पहला हक सच जानना होता है, द राइट टू ट्रूथ, तो अब आप पता कीजिए कि सच क्या है. और वो होगी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को असली श्रद्धांजलि, असली जस्टिस. एंड दैट सर विल बी नेशनलिज्म. त्रिपाठी जी, तो क्या मैंने 5th level पास कर लिया? इससे आपको क्या मिला? मुद्दा, अगले लोकसभा चुनाव के लिए एक जबरदस्त मुद्दा. मतलब शास्त्री जी और सच, इस सबको कोई मतलब नहीं है. क्या जीतना ही सब कुछ है? राजनीति में जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हारे हुए लोग देश की तकदीर नहीं बदल सकते. 2 वेलकम टू पॉलिटिक्स.